सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि क्या सही रहेगा, SIP 1000 पर मंथ का या फिर लमसम 1,20,000 रुपए आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग 1000 पर मंथ SIP में करते हैं, अगर 10 साल की बात करें तो आपका 1000 पर मंथ के हिसाब से एक साल का हो गया आपका 12,000 रुपए, ठीक है, और आपका 10 साल का हो गया 1,20,000 रुपए। तो आपके लिए क्या कौन सा ऑप्शन सही रहेगा कि आप यहाँ पर 1,20,000 रुपए डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं लमसम में, या फिर आप 1,000 रुपए का SIP करें, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि हम यहां पर SIP करें या लमसम करें, विच वन इज बेटर, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं, यहां पर मैं आपको फुल कैलकुलेशन बताऊंगा, प्लस तो उसके साथ साथ यहां पर मैं आपको फंड भी बताऊंगा जिसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, जिसमें आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, और दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर इस तरीके के वीडियो बनाने में हम लोगों को काफी रिसर्च करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब चलिए पहली बात तो हम लोग देख लेते हैं SIP और लमसम में, ठीक है। तो मेन पॉइंट आता है कि SIP कौन करना चाहता है और लमसम कौन करना चाहता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बिग अमाउंट ऑफ मनी है, फॉर एग्जांपल आपका कोई पॉलिसी है वो आपका मैच्योर हो गया तो उसमें आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिला, या आपका FD कराया, FD आपका ब्रेक हो गया तो उसमें आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिला, या कुछ ऐसा है जिसमें आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि उसमें वेट कीजिएगा, और जब भी मार्केट यहां पर थोड़ा सा करेक्शन में नीचे जाता है तब आपको अपना जो लमसम अमाउंट है वहां पर इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास जो अमाउंट है आपने जैसे ही आपको आया आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। पहले आपको देखना है कि मार्केट हाई तो नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई होगा तो हो सकता है कि आपको विद इन 1 or 2 ईयर आपको अच्छा खासा रिटर्न ना मिले, क्योंकि मार्केट करेक्शन करेगा और आपका जो फंड है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इसलिए आपको वेट करना है कि अगर मार्केट ऊपर है तो आपको वेट करना है कि ये करेक्शन में जब नीचे आएगा तब आपको यहाँ पर लमसम में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। बल्कि ये चीज आपका SIP में नहीं होता है। SIP में क्या होता है कि आपको मार्केट को देखना ही नहीं होता है कि ऊपर है या नीचे है, आपको सिंपली क्या है कि बस इन्वेस्ट करते जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट हम लोग हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। तो हो सकता है कि इस महीने मार्केट ऊपर है तो ऊपर की NAV मिल जाएगा, फिर अगले महीने मार्केट नीचे होगा तो नीचे की भी मिल जाएगा, फिर ऊपर फिर नीचे, या नीचे नीचे रहेगा या ऊपर ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से जो एवरेज देखा जाए, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में एवरेज देखा जाता है, तो हमको सही प्राइस पर जो फेयर वैल्यू होती है NAV की उसमें हमको मिल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों पहला तो ये हो गया कि अगर आपके पास लमसम एक बड़ा अमाउंट है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या है कि जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं, जो आपकी मंथली इनकम है 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 आपकी मंथली इनकम होती है, ठीक है, उसमें से आप कुछ रुपए को इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, SIP इज द बेस्ट, ठीक है। SIP में क्या होगा कि आपके पास आपको एक वर्डन नहीं लेना पड़ेगा कि मुझे बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। आप छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके भी आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आपका हो गया कि जिसके पास यहाँ पर मंथली इनकम होती है, छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP कर सकते हैं, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा अमाउंट है तो वो क्या कर सकता है, लमसम कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसमें क्या फर्क पड़ेगा। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि आपने SIP किया 1000 पर मंथ का, तो आपके शुरुआत के 10 साल में आपने SIP किया 1000 पर मंथ का, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगा, आपको रिटर्न कितना मिलेगा। हम लोग मान लेते हैं कि ऐसे बहुत सारे फंड हैं जो आपको 15% से 18% का रिटर्न देते हैं, ठीक है, मोर देन दैट भी आपको, अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको 20% और 25% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि 18% का आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है, जो कि आपको मोस्टली इंडेक्स फंड में भी मिल जाता है। तो यहां पर आपको जो 10 साल में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपका मिलेगा 3,36,258 रुपए, ठीक है, ये आपका हो गया 10 साल का। या यही अमाउंट अगर आप लमसम में एक साथ 1,20,000 रुपए शुरुआत में ही इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 6,28,060 रुपए आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका एक आइडियल कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेटर को ओपन करके मैंने ये कैलकुलेट करके यहाँ पर सारे डिजिट लिखे हुए हैं, ठीक है, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट 10 ईयर की बात करें कि आपने शुरुआत के 10 साल में ये हो गया, अब 10 साल के बाद भी आप यहाँ पर SIP को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप 1000 पर मंथ तब भी आप करेंगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 20 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 2,40,000 का, और आपका जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो आपको मिलेगा 31,61,479, ठीक है, इतना आपको रिटर्न मिलेगा, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है, क्योंकि यहाँ पर आपने इन्वेस्ट तो कितना किया है, 2,40,000 रुपए ही किया है, और यहाँ पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, 31,61,479 रुपीज मिल रहा है। और यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि आपने ये 2 साल में आपने लगाया 2,40,000, अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है 2,40,000 का और
और आपने उसको 20 साल के लिए कर दिया तो यहाँ पर आपको अमाउंट कितना मिलेगा, 92 लाख रुपीस आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आप यहाँ पर 20 इयर्स के लिए करते हैं तो 2,40,000 का आपको मिलेगा, 92 लाख रुपीस, 1,024 रुपीस आपको मिलेगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर कई गुना आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट 10 ईयर। ठीक है, शुरुआत के 10 साल आपका ये हो गया, नेक्स्ट 10 ईयर आपका ये हो गया। अब मान लेते हैं कि आप 10 साल और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, SIP को, मतलब 30 साल की SIP करते हैं, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका होगा 3,60,000 रुपए। ठीक है, और आपको यहाँ पर रिटर्न कितना मिलेगा, 2,33,60,802 रुपए मिलेगा। ठीक है, ये आपको रिटर्न मिलेगा। और देख सकते हैं कि 3,60,000 रुपए लगाने से आपको यहाँ पर कितना मिलता है, 2,33,60,802 रुपए मिलता है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास लमसम है 3,60,000 रुपए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा, तो ये आपका मिलता है 8,54,55,473 रुपए। देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना फर्क है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, 3,60,000 रुपए है, और आपको यहाँ पर रिटर्न कितना मिल रहा है, 8 करोड़, मतलब लगभग 8.5 करोड़ रुपए यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मैं आपको कैलकुलेटर को ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि ये आपके जो कैलकुलेशंस हैं वो रियल कैलकुलेशंस हैं। आपको गूगल पे जाना है और आपको SIP रिटर्न कैलकुलेटर सर्च करना है, यहाँ पर ग्रो का आपका कैलकुलेटर आ जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग पहले SIP का देख लेते हैं। SIP में अगर आप यहाँ पर 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर 20% आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है, तो आपको टाइम पीरियड 30 साल देते हैं तो आपको कितना मिलता है, 2,33,60,802 रुपए मिलता है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके लिखा हुआ था। ठीक है, ये हमारी जो कैलकुलेशन है वो 20% एजम्पशन के ऊपर है। ये आपका जो 20% है वो कम भी हो सकता है और यहाँ पर आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, और चलिए दोस्तों अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लमसम पर क्लिक कर लेते हैं कि जैसे कि अगर आपने यहाँ पर 3,60,000 रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है 30 साल के लिए, तो आपको कितना मिलेगा, 8,54,00,000 रुपए आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8,54,00,000 आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये एक कैलकुलेशन है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फंड के नाम भी बता देता हूँ जिससे आप इन्वेस्ट करके यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, ये 20% का मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर आपको 18 से 25% तक आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों ये आपका जो SIP है, SIP के लिए क्या है कि जिन लोगों के पास यहाँ पर एक बड़ा अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, वो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर SIP कर सकते हैं। SIP में क्या है, 100 रुपए से भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, 100 रुपए से, 500 रुपए से, 1,000 से, 2,000 से, 5,000 से, 10,000 से, जितना भी SIP करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आपको आज से और अभी से SIP स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा जो वेल्थ है वो बना पाएंगे। और जिसके पास यहाँ पर एक लमसम अमाउंट है तो वो यहाँ पर लमसम अमाउंट वो इन्वेस्ट कर सकता है, उसका जो वेल्थ है वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ आपको फंड के नाम बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एंजल वन का यहाँ पर वेब प्लेटफॉर्म है उसको मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर एंजल वन से आप स्टॉक मार्केट में, IPO में और यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपका ग्रो में, जिरोधा में, एंजल वन में, आईएनडी मनी में, कहीं पर भी आपका अकाउंट खुला हुआ है तो आप वहां से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका पहला फंड है वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपका है HDFC स्मॉल कैप फंड। ठीक है, तो यहाँ पर इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो यहाँ पर 24.44% का रिटर्न दिया हुआ है। और सिंस इंसेप्शन की बात करता हूँ, जब से ये फंड बना हुआ है, तो देख सकते हैं कि इस फंड को बने हुए कम से कम 11 साल हो चुके हैं और यहाँ पर इसने रिटर्न दिया हुआ 21.14% का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, जो कि 20% से ज्यादा है। अब ये आगे कैसा रिटर्न देगा उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम एजम्पशन ले सकते हैं कि ये कम से कम 15% के ऊपर तो रिटर्न देगा ही देगा। ठीक है, और इसके बारे में और भी आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो एज है वो 11 साल का है और यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट 27,574 करोड़ का है। एग्जिट लोड आपको 1% देना होगा। लॉग इन पीरियड यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। SIP अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 100 रुपए मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं। वन टाइम भी आप यहाँ पर मिनिमम 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रैप्स में 8.44% इन्वेस्टेड है। सोनाटा सॉफ्टवेयर में यहाँ पर 4.5% इन्वेस्टेड है और इस बैंक ऑफ बड़ौदा में 4.1% है। तो इसकी टॉप होल्डिंग्स है। सेक्टर वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों दूसरा फंड बता देता हूँ मैं आपको। सो गाइस, यहाँ पर जो दूसरा फंड है वो आपका है पराग परी फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो 3 साल का जो रिटर्न है वो 23.28% का है। 5 साल का हम लोग देखें तो 23.98% है और ऑल का देखें, ऑल टाइम का, तो देख सकते हैं कि 20.51% रिटर्न है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब से ये फंड बना हुआ है, मतलब कि इसको भी 11 साल हो चुके हैं और 11 साल में इसने अगर एवरेज देखा जाए तो 20.51% का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, और देख सकते हैं कि यहाँ पर कोविड के बाद इसने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर SIP
करना चाहते हैं तो मिनिमम 1000 से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। वन टाइम करना चाहते हैं लमसम तो यहाँ पर आप मिनिमम 1000 रुपए से आप इन्वेस्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में देखें तो यहाँ पर एज इसका 10 साल है, 10 साल पुराना भी फंड है, ठीक है, मतलब इस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर हम लोग बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो ये 60,000 करोड़ रुपए का मैनेज करते हैं, ठीक है। और लॉक इन पीरियड यहाँ पर नील है, एग्जिट लोड यहाँ पर 2% है, ठीक है। और इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर 365 डेज के अंदर यहाँ पर रिडेम्पशन का लगाते हैं तो आपका 2% देना पड़ेगा, अगर 2 साल के अंदर करते हैं तो 1% देना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पर 2 साल के बाद करते हैं लगभग 3 साल के बाद तो यहाँ पर आपको कोई भी रिडेम्पशन एग्जिट लोड नहीं देना होगा, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो 0.57% है। और टैक्स की बात करें तो यहाँ पर वही है कि अगर आप 1 साल के अंदर आप विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको 15% आपको जो गेन है उस पर आपको टैक्स देना होगा, और यहाँ पर अगर आप करते हैं 1 साल के बाद तो आपको 1 लाख के ऊपर जो भी गेन होगा उस पर आपको 10% टैक्स देना होगा, ठीक है। और दोस्तों ये जितने भी आपके फंड होते हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं, वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर देखिएगा कौन सा फंड आपके लिए अच्छा है, उसमें तभी आप इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पर बैंक सेक्टर में यहाँ पर 19.72% इन्वेस्टेड है, डेट में देख सकते हैं कि डेट में 11.66% इन्वेस्टेड है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 7.84% है, फाइनेंस में 7.05% है, आईटी सॉफ्टवेयर में यहाँ पर 6.85% इन्वेस्टेड है, कैपिटल मार्केट में 6.65% इन्वेस्टेड है, ठीक है। अगर होल्डिंग्स भी कंपनी वाइज देखें तो यहाँ पर सीसीआई में यहाँ पर 10.23% इन्वेस्टेड है, एचडीएफसी बैंक में 8.06%, बजाज होल्डिंग्स में यहाँ पर 6.52% है, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में यहाँ पर 6.17% है, ठीक है। मारुति सुजुकी में यहाँ पर 5.75% है, ठीक है। तो ये इसकी टॉप होल्डिंग्स है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, और ये काफी अच्छे फंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अगर हम ओवरऑल की बात करें तो मोर देन 20% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया है कि अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है तो आपको लमसम ही करना चाहिए, बस मार्केट को वेट करना चाहिए कि मार्केट में आपको सही वैल्यू मिल जाए, सही एनएवी मिल जाए, उस पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और एसआईपी आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, आप फिर भी अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, तो यहाँ पर आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि आप एसआईपी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।